कॉल टुडे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। आज आपने भारी संख्या में यहां पर उपस्थित होकर के सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को समर्थन किया है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में मुझे यहां आना था तो मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, याद है ना। तो मैं तो उस समय यही सोच रहा था कि हो सकता कि ओलख जी ने ही ना उतरने दिया हो, लेकिन बाद में जब मैं यहां से वापस बागपत पहुंचा तो इनका फोन आया कि मेरे यहां तो सभा होनी थी। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था कि आप ही ने गलत कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए थे और से जहां ढूंढ ही नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपका स्नेह हमें यहां पर लेके आ गया है और यहां पर आपने सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के नेतृत्व में, श्रीमती राजबाला जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में इस जनविश्वास यात्रा का जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता, तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय चलती हुई दिखाई देती है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुवाणी का पाठ होता है, यही अंतर है। इस मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेशेवर दंगाइयों को और अपराधियों और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वही मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादों के सम्मान और के कार्यक्रम को और उस अवसर पर गुरुवाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के पहले क्या थी, ये किसी से छुपी भी नहीं है और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था,
समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भैया बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार देगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। कोई उसमें अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाते। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते हैं। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है ये, आपके वोट बैंक की ताकत इनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है। और जिस दिन आप चाहेंगे ये लोग नाक रगड़ करके आपके पास आएंगे कि 1990 के राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों के लिए माफी मांगते हैं, इनको कहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने कृत्यों के लिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर सत्ता में रहते तो हम भी राम मंदिर का निर्माण कर देते, तो फिर सकीबुल रहमान वर्ग क्या करते हैं? क्या करते हैं ये लोग? ये जो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोग क्या करते थे? ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।